देखिए ये मैं आपको बताऊं विनीता, मैंने शायद पहले भी एक बार दो बार डिबेट में इसका उल्लेख किया था कि क्या शिवपाल यादव एक बड़ा फैक्टर होंगे और क्या उनके जाने से फर्क पड़ेगा, और अगर फर्क पड़ेगा तो कितना फर्क पड़ेगा। तो ये तो तय समझिए कि शिवपाल यादव के खुद अकेले जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शिवपाल यादव के साथ अगर ये लोग गए तो हाँ बहुत फर्क पड़ेगा। और उसमें भी एक चीज ये समझ लीजिए कि ये कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रत्यक्ष रूप से जाएं और भाजपा को ज्वाइन करें और भाजपा में कोई पद लें या सरकार में कोई पद लें या किसी तरीके की का अनुग्रह लें। वो ये भी कर सकते हैं कि उनके समानांतर एक, इसको गंभीरता से समझिएगा, मैं रिजवान भाई और आनंद जी दोनों लोगों से अनुरोध करूंगा कि एक पैरेलल छोटा संगठन खड़ा कर दिया जाएगा जो इन्हीं वोटों को जो आप अभी चर्चा कर रहे थे, जैसे आनंद जी ने कहा कि क्या उसमें परसेंटेज की बात होती है तो लोग कहते हैं प्रतिशत की, तो अगर मान लीजिए कि भाई ठीक है आपका 1% रहा है, मायावती जी का 22% रहा है और उसमें से कुछ खिसक गया या बहुत ज्यादा कुछ खिसक गया, तो आज की तारीख में अगर जो मत प्रतिशत अखिलेश यादव को पड़ा है उसमें से अगर आप 8% हटा दीजिए तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए लोकसभा सीटों की संख्या, और वो अगर ये छोटे छोटे लोग या छोटे संगठन या इनका मिला हुआ एक संगठन मिलके भाजपा के पीछे उसकी एक बी टीम की तरह काम करता है और वो ये कहता है कि ठीक है चलो हम लड़ा के इसको काट देते हैं, तो एक एक जो टर्मिनोलॉजी वोट कटवा की होती है वो कुछ नहीं तो वोट कटवा बन जाओ, बाकी सब कुछ आप पिछले दरवाजे से ले लो। एक ये कॉन्सेप्ट। दूसरा, अभी जो आनंद जी कह रहे थे मुझे वो दो तीन चीजें बहुत बढ़िया लगी और मैं उसमें कुछ एड ऑन भी करना चाहता था। हाँ, उससे पहले जयंत के जाने से फर्क पड़ेगा या नहीं, वो चवन्नी है जो पलट जाएंगे या नहीं पलट जाएंगे वाली बात जहां तक थी, राजनीति में कोई सिक्का जो है वो स्थिर नहीं होता, कोई खरा नहीं होता और कोई खोटा नहीं होता, तो राजनीति में आप ये कुछ भी मान के मत चलिए कि आज कौन सी डाल पर बैठा हुआ बंदर कूद के कौन सी डाल पर जाएगा और कल कौन सी डाल पर बैठा हुआ बंदर कूद के कौन सी डाल पे आएगा, ये आज से नहीं आजादी के बाद से और 75 वर्षों में लगातार ये सब होता रहा है आगे भी होगा, और उसमें आप बिल्कुल आश्चर्यचकित न हो कि ये चीजें कोई सरप्राइज है, कोई सरप्राइज नहीं है और ये होगा ही होगा, ये तय मान के चलिए आपकी ये होगा ही होगा। उनको 4% मुस्लिम वोट खिसकाना है जिससे कि वहां कोई बहुत अच्छे प्रतिस्पर्धा ना मिल सके, उनको 4 से 5% जो है वो ओबीसी और बाकी वोटों को खिसकाना है ताकि वहां कोई अच्छी प्रतिस्पर्धा उनको ना मिल सके, ये तो वो उनको करना है चाहे जिस तिकड़म से वो करें। और कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस का एक अंतर होता है, मतलब आपकी अवधारणा और व्यवहार इनके बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो अवधारणा है कि आप अच्छी राजनीति करिए, साफ सुथरी राजनीति करिए, आदर्शवाद की राजनीति करिए, आप सबको जो है मिला के चलिए और नारे दीजिए और जनता का वेलफेयर कीजिए, फलाना ढिमकाना कीजिए, वो तो सब ठीक है, वो अवधारणा है, लेकिन व्यवहार ये है कि आप अगर सामने वाले को ध्वस्त नहीं करेंगे तो आप ध्वस्त हो जाएंगे, तो जी आप या तो मारिए या मर जाइए, राजनीति का युद्ध भी यही कहता है और ये युद्ध ही है। अब बचा जैसे बिल्कुल आनंद बिल्कुल, जी इसमें कह कोई रहे दो थे, राय आनंद नहीं सर। जी जो कह रहे थे एक बात कि इन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बहुत बड़ी अच्छी चीजें की, बहुत सारी चीजें लोगों के सामने पेश की, तो उन्होंने देखिए दरअसल एक एक बड़ी अच्छी चीज की है, उसको कहते हैं अल्ट्रा नेशनलिज्म। वो अल्ट्रा नेशनलिज्म उन्होंने घोल के लोगों को पिलाया और अब अल्ट्रा नेशनलिज्म जो है वो लोगों के खून में, दिमाग में, विचारों में अच्छी पैठ बना चुका है।
तो उसको आप भूखे रख के भी कहेंगे तो भी वो उसी पर कायम रहेंगे। आप उनको कहिए कि भाई तुम्हें मर जाना है, वो बलिदान दे देंगे। आप फूक जाना है, बलिदान दे देंगे। या आपको जो है लड़ाई लड़नी है, आग लगाना है, वो भी कर देंगे। वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और वही अल्ट्रा नेशनलिज्म जो है आज की तारीख में बीजेपी या भाजपा या उसके समर्थक दल लोगों को दे रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि अब आपको उसको तोड़ने के लिए एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, एक कॉन्सेप्चुअल वॉर की जरूरत पड़ेगी, एक बड़े थिंक टैंक की जरूरत पड़ेगी, अच्छी रणनीति और कुशल रणनीतिकारों की जरूरत पड़ेगी, और साथ में आपको वो डायनामिक नेतृत्व चाहिए होगा, तब आप उसको जाके कॉन्सेप्ट को तोड़ पाएंगे। वरना वो जी आपके लोगों को ऐसे ही तोड़ते रहेंगे, तोड़ के आपको छोटा कर देंगे, घटाते घटाते आपको नगण्य कर देंगे, और एक दिन आप हो सकता है कि हाशिए पे और हाशिए से भी नीचे चले जाएं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।